छोटा उदयपुर नगर के स्टेशन विस्तार में निर्माण हो रहे वैसे ओवरब्रिज में दरारें गिरी है, वैसी अफवाहें जोर पकड़ते हुए लोगों के बीच चर्चा का विषय बना था। छोटा उदयपुर नगर के स्टेशन विस्तार से गुजरता ओवरब्रिज नंबर 101 पर कामगिरी चालू है, लेकिन कुछ ही वक्त में ये ओवरब्रिज भी चालू होने वाला है। जल्द सुबह से लोगों के बीच एक अफवाह का जोर बनते हुए ओवरब्रिज निर्माण हो उससे पहले ही ब्रिज के बीम पर दरारें गिरी है, वैसी अफवाह ने जोर पकड़ा था। तो वही वास्तविकता तराशते हुए ओवरब्रिज का काम करते वैसे अधिकारी के साथ बातचीत के साथ पता चला कि दरार नहीं है, लेकिन इसे अलग करने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट रखा गया है। जॉइंट के दोनों छोर पर दो प्लेट के रूप में रखा गया है, जिसे कोई दरार नहीं कहा जा सकता, वैसा अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई थी। तो वही छोटा उदयपुर नगर के ओवरब्रिज में दरारें होने की बात सरासर झूठी साबित होते हुए बाद अधिकारी सहित लोगों ने भी राहत की सांस ली थी। नमस्कार, मारू नाम अक्षय है। अहीं छोटा उदयपुर खाते स्टेशन रोड पर जे आ ओवरब्रिज बनी रह्यो छे एलसी नंबर 101 पर, त्यां आगळ अत्यारे स्टेशन नी सामेनी बाजू घणा लोकोना फोन आव्या अने वात करता हता के ब्रिज उपर तिराड पड़ी छे। हुं लोकोने जणाववा मांगीश के आ तिराड जे पड़ी ए कोई जातनी कोई तिराड नथी, प्योर टेक्निकल टर्म छे के जे बे धाबा करवामां आवे छे एना वच्चे आइसोलेट करवा माटे बे धाबाने एकबीजाथी अलग पाड़वा माटे उपर एक्सपांशन जॉइंट मुकवामां आवे छे। हवे एक्सपांशन जॉइंटनी बंने छेड़ा बे प्लेटना रूपमां होय छे, बे प्लेट एकबीजाथी अलग अलग होय छे, वच्चे खाली जग्या होय छे। अमे खाली जग्यामां थर्मोकोल पूरीए छे, जे वक्ते आनी भराई करवामां आवे मतलब जे वक्ते कॉन्क्रीटिंग करवामां आवे ए वक्ते त्यां आगळ नीचे अमे आइसोलेट करवा माटे थर्मोकोल मूकीए छे, परंतु सीमेंटनी स्लरी जे खरी ए थर्मोकोल साथे मेच थती नथी अने ए नीचे उतरी जाय छे। एना कारणे नीचे एक प्लेटिंग जेवू थई जाय छे, तो आखी प्लेट जेवू देखाय के भाई नीचे भराई करेली छे। एक्चुअलमां ए पोलो भाग ज होय छे, ए बे एक्सपेंशन जॉइंट वच्चे कोई जातनी कोई कॉन्क्रीटिंग आवतुं नथी। पण अत्यारे केवू के जे पतलो पड जे सीमेंटनी स्लरीनो जामी गयो अने वाहनो अत्यारे शुं के नीचे सर्विस रोड चालु छे अने ऊपरथी वाहनोनी अवर जवर वैकल्पिक रूपे चालु छे, अत्यारे એના ભાગરૂપે જ્યારે ઉપર ટ્રાફિક પસાર થાય છે ત્યારે બે બ્રિજ વચ્ચે જે થોડું ઘણું સક્શનનું પ્રેશરના કારણે કે થોડું ઘણું ઊંચ નીચના કારણે આવે છે, એટલે એક્સપાન્શન જોઈન્ટ જે છે એ ધક્કા તો સહન કરી લે છે, પરંતુ કે ઊંચા નીચી થાય એના કારણે નીચે જે પાતળું પડ બની ગયું હોય કે જેનું એકચ્યુઅલમાં અહીંયા કોઈ હોતું નથી, પણ જે પાતળું પડ બની ગયું છે સિમેન્ટની સ્લરીથી એમાં થોડી ઘણી તિરાડ પડે કે ભાઈ ઊંચા નીચું થાય એટલે ફ્રી થતું જાય છે, એટલે આ જે તિરાડ તમને દેખાઈ રહી છે એ જ તિરાડ છે, બીજું કોઈ જાતની કોઈ આમાં ટેકનિકલ ફોલ્ટ કે બીજી કોઈ ડિઝાઇનની તકલીફ કે કોઈ બ્રિજના તકલીફ એવું કંઈ છે નહીં, એ ખાલી અને ખાલી જે સિમેન્ટની ફોતરી જામી ગઈ હોય એ દેખાઈ રહી છે આમ આગળ।